क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एल का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। और बी का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा फार्मूला जो होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूबॉइड, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? पूरा फार्मूला लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? 2h ब्रैकेट में l प्लस b। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे ना, h की वैल्यू कितनी है? ब्रेकर लगाएंगे, b की l की वैल्यू कितनी है? प्लस प्लस a प्लस लगाएं, b का मान कितना है? अब देखो 2 का 10 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 20 आएगा। ब्रेकर लगा देंगे, 12 प्लस 8 कितना होगा? 20। जब आपको जीरो मिल जाए तो वहाँ मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है ना। yes, आप केवल नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 2 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 4। एक जीरो यहाँ लगा लो, एक जीरो यहाँ पर लगा दो, कितना हो जाएगा? 4। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है ना? Yes, यहाँ लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा? 400। किसी कोई समस्या है? No, आसान था। Yes, इसके बाद क्या निकालेंगे? हाँ, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद है ना? फार्मूला लिखेंगे पहले हम 2 ब्रेकेट में प्लस एच एल, यही तो होता है। yes, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे ना। yes, एल और बी का मल्टीप्लाई करो, एल कितना है? बी कितना है? 12 एट जा 96। यहाँ 96 लिखो, यहाँ प्लस है ना। yes, प्लस लगा दो, बी है और एच है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, बी कितना है? एच कितना है? 10 एट जा 80। कोई दिक्कत है? No, प्लस है, प्लस लगा दो, ठीक है ना। एच एल है, एच का मान कितना है? एल का मान कितना है? 12 10 जा 120। कोई समस्या है? अब इसके बाद क्या करेंगे हम? ऐड कर लेंगे ना। yes, 120 में 80 प्लस करेंगे कितना आएगा? 200 आएगा। yes, 200 में 96 प्लस करेंगे कितना आएगा? 296। 2 ब्रेकर में 296 ना। yes, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12 हो जाएगा। yes, 2 9 जा 18 प्लस 1 2 2 जा 4 प्लस 1 592 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। yes, तो हम लिखेंगे क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या आएगा? 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए इसको, लिखना हो फिर आगे बता दें, ठीक ना? किसी को लिखना है? लिख लीजिए, लिख लो, आ गया है? बोलो, एल का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। बी का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। एच का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? तो वैल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वैल्यूम निकालेंगे, फार्मूला क्या होगा? क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच होगा। एल का मान कितना है? बी का मान कितना है? एच का मान कितना है? अगर 10 हो, 5 हो, 4 हो, तो पहले उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके? आसान हो जाएगा। देखो पहले हम इसके इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, या जो है 12 एट जो कितना हो जाएगा? 96 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? केवल जीरो लगा देंगे, 96 बन जाए 96, जीरो लगा देंगे ना। yes, कितना हो जाएगा? 960 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ओके? सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूम में देखो, सेंटीमीटर 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 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा ना। yes, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। yes, यहाँ लिखेंगे वैल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा? 960 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, क्यूबॉइड, वेरी गुड, ठीक है। याद सभी को क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा ना?
आगे देखते हैं, अब क्या बचा हुआ है हमारा? लिखेंगे हम क्या? डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। फार्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यही फार्मूला होता है। एल का मान कितना है? 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? बी का मान कितना है? 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? प्लस एच का मान कितना है? 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। ओके, किसी किसी का 20 आया था। ओके, ठीक है ना? तो 20 नहीं आएगा, कितना आएगा? 100। अब 4 प्लस 4 कितना होगा? 8 हो जाएगा। और 6 प्लस 4 कितना होगा? 1 प्लस कैरी 2 हो जाएगा। प्लस कितना है? 100। प्लस कर लेंगे कितना होगा? 308। तो वैल्यू डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया? 308। अब एक बार रूट में है, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 308 का फैक्टर करेंगे, 2 डिवाइड होगा। टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, टू फोर जा एट, डिवाइड आता था बिकू ना। टू सेवन जा फोर्टीन, टू सेवन जा फोर्टीन, अब टू से कटेगा नहीं, सेवन से डिवाइड होगा। कहने का मतलब 2 का एक पेयर बना ना, 2 का एक पेयर बना, 2 एक बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या? 11 सेवन जा 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना? स्क्वायर भी हो जाएगा ना, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना? कि स्क्वायर तो होगा लेकिन रूट से बाहर रहेगा ना, सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई केवल है ना, लंबाई केवल है, ठीक है? तो ये आपका आ गया क्या? डायगोनल ऑफ आप क्यूबाइड। कोई दिक्कत है? No, बोलो no, किसी को लिख दिख नहीं रहा है? डायगोनल ऑफ क्यूबाइड कितना आ गया? 2√77 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा हो बताइएगा, ठीक है? पावर फोर, पावर फोर, पावर फाइव, पावर सिक्स, पावर सेवन।